हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो सब अपने घरों में सकुशल ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर दाएं हाथ का अंगूठा नियम। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पेयर का, तैरने का नियम, सुनो का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे दाएं हाथ का अंगूठा नियम। दाएं हाथ का अंगूठा नियम क्या कहा? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक धारावाहिक चालक तार है। यदि किसी धारावाहिक चालक तार को दाएं हाथ से, ये मेरा दाएं हाथ है, दाएं से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा क्या करे, ये अंगूठा देखो प्रवाहित धारा की दिशा क्या करे, निरूपित करे। अंगूठा क्या करे, प्रवाहित धारा की दिशा क्या करेगा, निरूपित करे। ये देखो इधर प्रवाह धारा प्रवाह हो रही है, इधर से तो हो रही है, तो अंगूठा धारा को निरूपित करे। तो बाकी सारे जो अंगुली में जो घुमाव की दिशा है ना, बाकी सारे अंगुली जो घुमाव की दिशा है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। यानी कि उसका परिभाषा का क्या है कि यदि किसी सीधे चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा क्या करे, धारा की दिशा में हो, शेष अंगुलियों की जो घुमाव की दिशा होगी तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करता है, निरूपित करता है। यानी कि वो धारावाहिक चालक तार को दाएं से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा क्या करे, प्रवाहित धारा की दिशा में निरूपित करे, तो बाकी सारे अंगुलियों की जो घुमाव की दिशा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, निरूपित करेगा। मान लीजिए कोई चालक तार प्रवाहित धारा से इस प्रकार, तो अंगूठा घूमने से क्या होगा, ऐसे बनेगा। मान लीजिए कोई धारावाहिक चालक तार प्रवाहित धारा से दिशा नीचे के हो, तो अंगूठा में धारा प्रवाह कैसे होगा, कैसे बनेगा, है ना। तो चलिए इस फिगर को हम लोग दिखाते हैं, ये हम इसको दिखाएंगे हम लोग अभी पहला वाला। प्रवाह जैसे हो तो अंगूठा की घूमने की दिशा कैसे बनेगा, अगर उसको उल्टा करके पकड़े प्रवाह धारा से मतलब नीचे की ओर हो तो ऐसे होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र दिशा। ये हो गया आपका दाएं हाथ का अंगूठा नियम। इसका फिर हम लोग आते हैं मैक्सवेल का स्क्रू नियम। मैक्सवेल के स्क्रू नियम क्या कर, देखिए यदि किसी सीधे चालक तार के प्रवाहित धारा की दिशा में स्क्रू को आगे बढ़ा जाए तो क्या होती है। मान लीजिए कोई चालक तार है और मान लीजिए प्रवाहित धारा इस प्रकार है, स्क्रू को अगर आगे बढ़ा जाए तो स्क्रू के जो घूमने की दिशा है क्या होती है, स्क्रू के घूमने की दिशा चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, निरूपित करता है। मान लीजिए कोई एक धारावाहिक चालक तार है, इसे प्रवाहित धारा दिशा मान इस प्रकार है और इसके सामने क्या करता है, हम लोग एक स्क्रू रखते हैं। आपको पता है कि स्क्रू कैसे होता है, अगर किसी स्क्रू का मान लीजिए आप ऐसे रखते हैं और स्क्रू रखते हैं, अगर बोले स्क्रू क्या कर आपका ऊपर की तरफ उठना चाहेगा, तो यहां पर मान लीजिए आपके पास एक स्क्रू रखा हुआ है और ये स्क्रू मान लीजिए ऊपर तक उठना चाहेगा, ऐसे ऊपर तक उठना चाहेगा। तो देखिए स्क्रू अगर ऊपर तक उठेगा तो देखिए ना क्या हो रही है, स्क्रू जो घूमने की दिशा है, स्क्रू देखिए घूमने की दिशा है, ऊपर तक उठ रहा है, देखिए यह कैसे था, स्क्रू की देखिए घूमने की दिशा, स्क्रू आपको ऊपर तक जा रहा है, तो स्क्रू की जो घूमने की दिशा है वो किसको निर्भर करता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करता है, आपका निर्भर करता है। ये हो गया आपका मैक्सवेल का स्क्रू के लिए। फिर उसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए प्रवाह धारा हिसाब पे इस प्रकार हो, ऐसे हो तो क्या होगा, देखिए ना धारा ऐसा नीचे की तरफ, यानी स्क्रू अगर नीचे तरफ जाएगा, स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा, देखिए हमको कैसे घुमाना पड़ता है इस दिशा में,
ऐसे घुमाएंगे हम। तो चलिए इसको बनाते कैसे फिगर बनेगा, या स्क्रू, देखिए स्क्रू ऊपर तो उठना चाहेगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई बोतल वगैरह ढक्कन हम लोग क्या करते खोलते हैं, क्या करते हैं हम लोग कैसे घुमाते इसको, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग फिगर। दूसरा इसका उल्टा, देखिए इसको नीचे से जहां चाहेगा क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो ये होता है मैक्सवेल के लिए। मैक्सवेल के लिए हमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यदि किसी सीधे चालक तार के प्रवाह धारा के दिशा में, प्रवाह धारा दिशा में स्क्रू को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो स्क्रू को अगर इस प्रकार आगे बढ़ाए, ठीक है, मतलब स्क्रू की जो घूमने की दिशा है, मतलब स्क्रू मानी ऊपर तरना चाहता है, तो स्क्रू ऊपर की तरह आएगा तो कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो स्क्रू की जो घूमने की दिशा है वो आपको किस पर निर्भर करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हिसाब को निर्भर करता है। इसी प्रकार मान लीजिए उसको उल्टा, अगर मतलब स्क्रू अपने नीचे तरफ जाएगा, अब स्क्रू अगर नीचे तरफ जाएगा तो स्क्रू के घूमने की दिशा वो किसको निर्भर करेगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र हिसाब को निर्भर करती है। और ये जो स्क्रू नीचे तरफ जा रहा है ना, ये स्क्रू नीचे तरफ जा रहा है, ये प्रवाह धारा दिशा है, ऊपर तरफ जा रहा है प्रवाह धारा दिशा है, और बाकी जो घूमने दिशा है वो आपको किसको निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को निर्भर करता है। पहले हम लोग देख ली दाएं हाथ का अंगूठा लिया, दूसरा हम लोग देख ली मैक्सवेल का स्क्रू लिया। अगर आपका कहीं पर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए गुड बाय।